कलयुग में हनुमान जी की उपासना कल्याणकारी मानी जाती है। शास्त्रों के मुताबिक हनुमान जी सात चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी कलयुग में भी वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। यही वजह है जो भी व्यक्ति जब पूरे भक्तिभाव से हनुमान जी की उपासना करता है तो पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से उसके सारे संकट खत्म हो जाते हैं। भक्त को हनुमान जी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, ग्रहों की बाधाएं भी सहज रूप में दूर हो जाती हैं, घर परिवार में सुख शांति और आरोग्यता बनी रहती है। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। हनुमान चालीसा की हर चौपाई महामंत्र के समान है। आज हम आपको आपकी समस्या से जुड़े हनुमान चालीसा के खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से आपको आपकी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। आइए जानते हैं किस समस्या के लिए किस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं या धन रुकता नहीं है तो आप हनुमान चालीसा का ये उपाय कीजिए। सात मंगलवार तक इस उपाय को करें। सात बूंदी के लड्डू लें, सात हनुमान चालीसा के पाठ करें। हर पाठ के साथ एक एक लड्डू हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान जी को अर्पित किए गए लड्डू मंदिर में दान दें। ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आपके घर में वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है, क्लेश का वातावरण रहता है तो हनुमान चालीसा का ये उपाय करें। सात पाठ हनुमान चालीसा के करें। हर पाठ से पहले हनुमान अष्टक का पाठ करें। हनुमान मंदिर में गुड़ चने का भोग लगाएं। हनुमान जी से परिवार में सुख शांति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में वाद विवाद खत्म होता है, क्लेश दूर होती है। गृह दोषों की शांति के लिए हनुमान चालीसा एक विशेष उपाय है। इसे करने से आपके कुंडली के सभी ग्रह शांत होते हैं। हर ग्रह की शांति के लिए हनुमान चालीसा पाठ करें। शनि शांति में सबसे कारगर है हनुमत उपासना। हर दिन कम से कम 3 हनुमान चालीसा के पाठ करें और मंगलवार को मंदिर में बूंदी का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके सभी ग्रह शांत रहेंगे। दुर्घटना का भय बना रहता है या बार बार आपको चोट लगती रहती है तो कीजिए हनुमान चालीसा का ये उपाय। हर रोज 5 पाठ हनुमान चालीसा के करें। हनुमान जी को 7 लड्डुओं का भोग लगाएं। इन लड्डुओं को गरीबों में बांटें तो आपको दुर्घटना का भय दूर होगा, दुर्घटना से आप बचे रहेंगे। अब बात करते हैं व्यापार में धन लाभ की। यदि आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही, धन लाभ नहीं हो रहा, घाटा बना रहता है तो कीजिए हनुमान चालीसा का ये उपाय। व्यापार स्थल पर 7 पाठ रोज करें। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं तो आपके व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हनुमान जी की कृपा से हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ इस विधि से करने से व्यक्ति को इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की कृपा से साधक के घर परिवार और व्यापार स्थल की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आप भी कीजिए हनुमान चालीसा के पाठ और पाइए हनुमत कृपा के साथ सभी समस्याओं का समाधान। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन। स्तुति।